जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ क्षेत्रे भगवतः श्री जगन्नाथस्य असीमया कृपया अद्य सदाशिव पुरी परिसरस्य विकासयात्रायाः नूतनः इतिहासः रचितः वर्तते। तदर्थम् अस्मिन् विशिष्टे कार्यक्रमे समाहूतानां सर्वेषामपि स्वागतं व्याहर्तुम् अत्र समुपस्थितः। तत्र सर्वादौ अहं कार्यक्रमेस्मिन् अस्माकं आह्वानम् अंगीकृत्य समायातानां माननीयानां कौशल विकास उद्यमिता शिक्षा मंत्रालयस्य मंत्री महोदयानां श्रीमतां धर्मेन्द्र प्रधान महोदयानां स्वागतं व्याहरामि। तथैव मंचे समुपस्थिताः अस्माकं आह्वानम् अंगीकृत्य समायाताः सभेपि विशिष्टातिथयः तथा सभायाम् उपविष्टाः सर्वेपि सभ्याः नमस्क्रियन्ते। आज हमारा विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नया अद्भुत स्मरणीय दिवस है। आज दीपावली के अंतिम दिन पांडव पंचमी है, जहां पांडवों को विजय प्राप्त हुआ है। इस पांडव पंचमी के शुभ अवसर पर हमारे परिसर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। दो रूप से लक्ष्मी का आगमन हुआ है। भगवान जगन्नाथ जी के कृपा से एक लक्ष्मी पुराण, बलराम दास जी का जो लक्ष्मी पुराण है, इसके संगोष्ठी के द्वारा लक्ष्मी जी का सरस्वती के रूप में यहां आगमन हुआ है। सरस्वती रूप सभी विद्वान भारत के अनेक भागों से, अनेक राज्यों से 300 से अधिक विद्वान यहां हमारे आह्वान पर आ चुके हैं, उनको मैं स्वागत करता हूं। इसी समय पर लक्ष्मी का एक विकास के संकेत के रूप में आगमन हुआ है। इस परिसर का प्रतिष्ठापना होकर एक 100 साल से ज्यादा हुआ है, लेकिन इसका विस्तार विकास करने का सौभाग्य का दिन आज आया है। हमारा सौभाग्य है, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का संकल्प के कारण से आज इस परिसर का छात्रों के दृष्टि से छात्रावास, प्रशिक्षण करने के दृष्टि से प्रशिक्षण का एक अतिथि गृह तथा यहां शिक्षा और अकेडमिक भवन का निर्माण होने का एक नया विकास का योजना आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के करकमलों के द्वारा शिलान्यास हुआ है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अपने छात्रों को निवेदन करता हूं, हम इसका स्वागत करें। आज इस कार्यक्रम में संकल्प हमारे शिक्षा मंत्री जी का है, उन्होंने लक्ष्मी पुराण को एक नया रूप में रखने का एक संकल्प किया, उनका मार्गदर्शन मिला और हमने मिलकर एक नया सोच उसमें रखा है। लक्ष्मी पुराण केवल एक पुराण मात्र नहीं है। आज जिस रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, अमृत काल में भारत का एक नया निर्माण करने का, उस निर्माण में लक्ष्मी पुराण का एक संकल्पना को आगे रखने का एक विशिष्ट सेमिनार हम आज कर रहे हैं। इसमें हमारे समाज में जितने भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का एक नया समाधान हमें मिल सकता है। इस रूप से संस्कृत को केवल एक संस्कृत महाविद्यालय के परिसर में न रखते हुए समाज के सामने एक नया रूप में रखने का जो संकल्प केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा हो रहा है, इसके पीछे पूर्ण रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक संकल्प है, संकल्पना है और मार्गदर्शन भी है।
मैं आपको हमारे विश्वविद्यालय के परिवार के ओर से, छात्रों के ओर से और सभी अध्यापक और कर्मचारियों से मैं आपको हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। हमारा विश्वविद्यालय अभी अभी NAAC में A++ श्रेणी प्राप्त करके एक उन्नत विश्वविद्यालय के श्रेणी दर्जा किया है। इसमें गुणवत्ता लाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। माननीय मंत्री महोदय के सामने निवेदन करना चाहता हूं, हम केवल एक राष्ट्र स्तर पर विश्वविद्यालय के रूप में आज नहीं खड़े हैं, अब मुक्त स्वाध्याय पीठ के द्वारा ऑनलाइन एंड ओपन डिस्टेंस के द्वारा हम इस साल में जब 45 प्रोग्राम्स को हमने ऑनलाइन के द्वारा जब प्रस्तावित किया, प्रसारित किया, हमें आश्चर्य होगा कि 26 कंट्रीज 26 देशों से 8000 से ज्यादा छात्र इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। तो इसका मतलब हमारे संस्कृत को स्वीकार करने में प्रपंच तैयार हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर हमारा विश्वविद्यालय का कार्य पहुंच रहा है। यह सब आपका मार्गदर्शन है, आपका प्रोत्साहन है, हमारे परिसरों का विकास में आपका यह योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर, पुरी क्षेत्र के विधायक श्रीमान जयंत कुमार षडंगी जी, ITDC के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर समित पात्रा जी, हमारे भारतीय भाषा समिति के, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शक, संस्कृत क्षेत्र के हम सब के चमू नेता पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जी यहाँ उपस्थित है, हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिवा श्रीमती नीता प्रसाद जी उपस्थित है, ब्रह्मगिरी विधायक श्री ललितेंद्र विद्याधर महापात्र जी उपस्थित है, हमारे मार्गदर्शक अभिभावक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी उपस्थित है, और उत्कलीय शास्त्रीय छात्र कल्याण केंद्र के प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा जी, प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथी जी, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापकगण और उत्कल विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति महानुभाव तथा पूर्व कुलपति महानुभाव विद्वज्जन यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबको हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए मैं सौभाग्य मानता हूँ। पूरी परिसर का इस विकास कालखंड में हम सब साक्षी रूप में यहाँ उपस्थित हैं, यही हमारा सौभाग्य है। हम आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, पूरी क्षेत्र का विकास। इस मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, उड़ीसा राज्य से जितना पर्याप्त मात्रा से हमारे सभी परिसर में न केवल अध्यापकगण अभी तो छात्रगण भी विशेष रूप से आते हैं, उन सब के प्रति, मतलब केवल एक परिसर नहीं, सभी परिसर के सभी छात्र, सभी अध्यापक के ओर से आपको मैं स्वागत करते हुए मैं मेरा वचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।